हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्युटली मी लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो आज मुझे फेस रेज करना था क्योंकि बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। आप देख रहे हो, क्लियरली दिख रहे हैं बाल मेरे चेहरे पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है इसमें कि अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र के तौर पे लिया है कुकुम्बर जेल। उसके बाद में ये टिंकल के रेजर जो आपको ईजिली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और वहीं से ओपनिंग है, वहाँ से आप मैंने एक ये रेज़र निकाल लिया है और अपना फेस रेज करना शुरू कर दिया है। मैंने स्टार्ट किया है अपने चिक से, मतलब गालों से, और यहाँ पे बहुत सारे बाल भी रहते हैं हमारे, मोस्टली बाल रहते हैं चिक्स पे और फोरहेड पे। तो और ये एरियाज़ भी बड़े होते हैं तो आप ईजिली यहाँ पर रेज़र चला पाओगे। मेक श्योर करना है कि आप गालों से ही शुरुआत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जिस भी पार्ट को रेज कर रहे हैं उस पार्ट पे पहले मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा ले और उसी के बाद में रेज़र चलाना शुरू कर दे, ताकि हमारा चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। और स्टार्टिंग में हमने जो जेल लगाया था, पॉसिबिलिटी है कि वो जेल सूख जाए या फिर वहाँ पे मॉइस्चराइज उतना ना रहे स्किन, इसलिए हमको बाद में पार्ट में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मैंने फिर से अपने दूसरे गाल पे भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और उसी के बाद में ये रेज़र चलाना शुरू किया है। यहाँ पे मैं और एक बात मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आपको एक्ने या फिर पिंपल है तो बिल्कुल भी ये घर पे ट्राई ना करें या फिर अपने स्किन पे ना चलाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी ये ना करें। मेरी स्किन पे जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ये बिल्कुल भी एक्ने या फिर पिंपल नहीं है, ये क्लियरली स्पॉट्स है। एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन को कोई एलर्जी या फिर ऐसे कुछ नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द हीट इन द बॉडी, ये आते जाते रहते हैं। तो इसका एक्ने और पिंपल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको होगा तो प्लीज़ डोंट गो एंड डोंट ट्राई दिस, ओके। मेरे दोनों साइड के चिक्स के हेयर रिमूव हो चुके हैं और अभी मैं मूव करूँगी अपने फोरहेड पे, मतलब हमारा आईब्रोज के ऊपर का पार्ट जो है वहाँ पे मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज किया है। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर मैंने हाथ रखा है ताकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए और मुझको यहाँ पे आसानी हो जाए कि मैं वहाँ पे रेज़र फेर सकूँ। और जैसे मैं यहाँ पे रेज़र चला रही हूँ आराम आराम से, वैसे ही आपको चलाना है। ये अच्छे से चेहरा मॉइस्चराइज करते हो या फिर जो पार्ट आप रेज कर रहे हो वो मॉइस्चराइज करके रखते हो तो आपको जलन होने के चांसेस कम हो जाते या फिर ना के बराबर होगी। और अगर आप ये 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करोगे तो उसकी वजह से कट लगने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये बतानी थी कि हम फेस रेज क्यों करते हैं। एक तो है कि हमारी डेड स्किन निकल जाती है क्योंकि हम लोग जब फेस रेज करते हैं तो उसके वजह से। सेकंड है कि जो बाल है हमारे, छोटे छोटे बेबी हेयर्स आपको दिख रहे होंगे मेरे चेहरे पे भी, जब मैं ये फेस रेज कर रही हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि मेरा स्किन कितना क्लियर लगना शुरू हो गया है, जहाँ पर बाल है और जहाँ पर बाल नहीं है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। थोड़ा बहुत भी टैनिंग भी कम हो रहा है जो है वहाँ पर, और इसकी वजह से बाद में स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और प्लेन हो जाता है। और प्लेन होने के कारण हम लोग जो बाद में मेकअप अप्लाई करेंगे वो अच्छे से सेट होता है हमारे चेहरे पे। इसलिए आपको ये फेस रेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इससे एक अलग ग्लो भी आता है क्योंकि आपके सारी डेड स्किन हट जाती है स्किन से। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड और आप ज़रूर ट्राई करना और बताना अगर आपने इससे पहले कभी फेस रेज किया हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। आई विल वेट फॉर यू। और दूसरी बात है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो आप प्लीज़ जाना मेरे लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी ये प्रोडक्ट्स का सारे लिंक्स। ज़रूर जाना वहाँ पर और ट्राई करना एक बार और बताना कि हाउ यू फील, और आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मैंने फेस रेज करने के लिए कुकुम्बर जेल यूज़ किया था और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। बट इससे अलावा भी अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई अदर फेस मॉइस्चराइजिंग जेल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और मार्केट में अभी भी कुछ प्री पोस्ट शेविंग क्रीम्स भी अवेलेबल है जो सिर्फ फेस के शेविंग के लिए अवेलेबल है, तो आप वो भी जाके ट्राई कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपका चेहरा मॉइस्चराइज रहे ताकि आपको जलन ना हो। अगर आप मॉइस्चराइज करें बिना
ये फेस रेस करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जलेगा वहाँ पे, और रेडनेस होने के या फिर बम्प्स आने के स्किन में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फेस मॉइस्चराइज करने का स्टेप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मैं बीच बीच में अपना रेज़र क्लीन कर रही हूँ, तो ये आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग जब बेबी हेयर निकाल रहे होते हैं तो बहुत छोटे 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 हेयर हमारे रेज़र पे जम जाते हैं। तो अगर वैसे ही जमते रहे तो पॉसिबिलिटी है कि हमें को समझ में ना आए कि कहाँ पे बाल रह गए हैं, कहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इसके लिए रेज़र टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पास में एक कोई कपड़ा रख सकते हो जिसको आप ये क्लीन कर सकते हो जिसके ऊपर, या फिर कॉटन रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आईब्रोज के बीच में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने मॉइस्चर फिर से अप्लाई किया है और वहाँ पे फिर से रेज़र करना शुरू कर दिया है। देन अगेन यहाँ पे मेरे नोज़ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स हो गए थे, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे मॉइस्चराइज करके एकदम हल्के हाथ से रेज़र चलाया है। अगर आपको लगता है कि आप चला सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ही चलाना, अगर आप श्योर नहीं हो तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हेयर हमारे नोज़ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। इसके बाद में हम लोग रेज करेंगे हमारा अपर लिप्स और चिन का एरिया। यहाँ पे भी हम लोग को वैसे ही स्ट्रेच करना है जैसे हमने बाकी का, मतलब चिक्स का या फिर फोरहेड का स्किन जैसे स्ट्रेच किया था, यहाँ पे भी वैसे ही हम लोगों को करना है। और अंदर से टंग दे के भी आप वहाँ पे थोड़ा प्रेशर या फिर बल्ज क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद में अपने हेयर वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि छोटे छोटे कितने पतले पतले हेयर निकल रहे हैं, और उसकी वजह से उसके साथ साथ टैन डेड स्किन भी मेरी निकल जा रही है। जो पैचेस आपको दिख रहे हैं वो भी थोड़ा सा हल्का लाइटन अप हो रहा है। तो यही होता है कि हमारी डेड स्किन पूरी निकल जाती है इस रेजिंग की वजह से। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं बिल्कुल हल्के हाथों से रेज़र चला रही हूँ, आपको भी यही करना है, एकदम हल्के हाथों से आराम से रेज़र चलाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करिए तो शायद आपको कट लग सकता है। मेरे चिन पे बहुत ही कम हेयर थे तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं लेनी पड़ी है, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा रेज़र घुमा रही हूँ ताकि जो भी डेड स्किन हो वो निकल जाए। थोड़े वाइट हेड्स हमको वहाँ पे हो जाते हैं, फिर ब्लैक हेड्स भी होते हैं, तो वो भी वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए मैं ये रेज़र वहाँ पे चला रही हूँ। आप भी ये कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच दो अंदर से टंग से, और उसके बाद में ही ये रेज़र चलाना ताकि आपको कट ना लगे और वो आराम से क्लीन हो जाए वो एरिया। उसके बाद में आप इसी रेज़र के मदद से अपने आईब्रोज भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं यही ट्राई कर रही थी कि मॉइस्चराइज करने के बाद मैं अपने आईब्रोज कर पाऊँ, बट आई वॉज़ नॉट श्योर क्योंकि मैं भी इसी में बिगिनर हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं ये ट्राई कर रही थी, तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं अच्छे से शेप दे पाऊँगी यहाँ पे। अगर आपको भी ऐसे डाउट है, आप बिगिनर हो या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो बिल्कुल भी अपने आईब्रोज को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बाद में पार्लर में जाके ये आईब्रोज करवा सकते हो। तो ये वाला स्टेप आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि बाद में अगर यहाँ वहाँ पे कट लग जाएगा फालतू में शेप बिगड़ जाएगा। जैसे आपका रेज़र कंप्लीट हो जाए, आपके सारे फेस के हेयर रिमूवल हो जाए, उसके बाद में अच्छे से फिर एक बार आपको चेहरा पूरा मॉइस्चराइज करना है। सेम कुकुम्बर जेल मैंने यूज़ किया था और चेहरे पे यहाँ पे लगा दिया है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। रिमूव करने के बाद में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप कोई भी ब्लीच या फिर फेशियल या फिर कुछ भी और करो, क्योंकि इससे जलन हो सकती है, कोई भी एक्ने पिंपल या फिर इरिटेशन स्किन में क्रिएट हो सकती है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी अवॉइड करो, एक बार आप मॉइस्चराइज कर दो और उस दिन के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट के बाद में आप अपना ब्लीच या फिर कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तब तक मैंने ये लिप बाम भी अप्लाई कर लिया था ताकि मेरे लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाए, एंड दिस इज फाइनल लुक। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे स्किन मेरा कितना ग्लो कर रहा है, सारे हेयर रिमूव हो चुके हैं, डेड स्किन टैन बहुत हद तक निकल चुका है। कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।